पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर छिड़ी राजनीति इतनी जल्दी शांत होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी सीबीआई और मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर अड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के मंत्री और सीबीआई ममता को ही घेरने में जुटे हैं। अब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब साफ होगा कि इस नाक की लड़ाई में किसकी जीत होती है। रविवार का पूरा दिन निकल गया, रात भर सियासी ड्रामा चला, सोमवार को सड़क से संसद तक कोहराम मच गया, सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद उठा, लेकिन बावजूद इसके ये घमासान नहीं थमा। अब तक मोदी बनाम ममता जारी है। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के बचाव में उतरी ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता ने साफ बोल दिया है कि मैं जान दे दूंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब रविवार को सीबीआई बिना किसी नोटिस के कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंच गई। इसी कार्रवाई को लेकर पहले पुलिस उनकी ढाल बनी, फिर ममता भी मैदान में उतर आई। वहीं ममता के साथ साथ पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार और सीबीआई को घेर लिया। इस मामले की गूंज न सिर्फ सड़क पर सुनाई दे रही है बल्कि संसद तक हंगामा बरपा है। आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही टीएमसी सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया, लेकिन लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक शोर मचता रहा। आखिरकार संसद को स्थगित ही करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच ममता सरकार के खिलाफ विरोध में उतरी सीबीआई ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार सीबीआई की कार्रवाई में बाधा डाल रही है। राजीव कुमार ने शारदा मामले में सबूतों को नष्ट करने का काम किया है, जिसे लेकर हम पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। वहीं सीबीआई की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि एक आईपीएस अफसर सबूत नष्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आप सबूतों के साथ आइए, हम कल सुबह 10:30 बजे आपको सुनेंगे। यानी अब कल कोर्ट तय करेगा कि इस राजनीतिक ड्रामे का क्या होगा। जहां एक मामले में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सबूत मांग रहा है, तो वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य की स्थिति को लेकर गोपनीय रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। यानी सीबीआई और सरकार दोनों ही ममता सरकार के खिलाफ हैं, जबकि ममता और विपक्ष मोदी सरकार और सीबीआई की घेराबंदी कर रही है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक ड्रामे का कब अंत होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।